पर इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से आ रही है। यहाँ क्रेच में छोड़ी गई 4 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप क्रेच मालिक के ससुर पर लगा है। आरोप है कि आरोपी बच्ची से पिछले कई महीनों से रेप कर रहा था। मेडिकल में रेप की पुष्टि भी हुई है। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके का ये मामला है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, सबसे पहले तो ये बताइए कि माँ बाप को कब पता चला बच्चे के साथ रेप की वारदात, और जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है क्या उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है? जी बिल्कुल दिव्या, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पिछले 4 महीनों से इस बच्ची के साथ ये इस तरह की घटना कर रहा था। और जब बच्ची के कुछ प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम हुई तो उसने अपनी मदर को इस बारे में बताया और डॉक्टर के पास ले जाने पर इस बात की पुष्टि इस बात की हो गई कि इस बच्ची के साथ रेप हो रहा था। और उस बच्ची के जो माता पिता ने जब पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई और उस बच्ची से बात हुई तो उसने पूरी की पूरी जो घटना थी वो बताई कि किस तरह से इस क्राइम में इस बच्ची के साथ दुष्कर्म ये व्यक्ति कर रहा था। और ये जो आरोपी है इसकी पुत्र वधु के नाम पर ये क्राइम था और पुलिस ने इसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धारा 376, 377 और पॉक्सो एक्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस जानकारी के लिए।